1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के सामने तीन विकल्प रखे थे कि या तो वो इस्लाम कबूल कर लें, या फिर मारे जाएं, या फिर कश्मीर छोड़कर भाग जाएं। इसके बाद कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा था और ये लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। 31 साल पहले करीब 1,00,000 कश्मीरी पंडित परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। इनमें से बहुत सारे लोग भारत छोड़कर भी चले गए थे। हालांकि बाद में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने की कोशिश हुई। इसके लिए कश्मीर में अलग अलग कॉलोनीज बनाई गई, लेकिन इनमें जगह की कमी की वजह से घर बहुत छोटे थे। नतीजा ये हुआ, कई परिवार एक ही घर में रहने को मजबूर हो गए। कुछ घरों में तो आज भी एक साथ 5 या उससे ज्यादा परिवार रह रहे हैं। जबकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित ऐसे थे जिनके घरों को जला दिया गया था, उन्हें तोड़ दिया गया था, फिर उन पर कब्जा कर लिया गया था। इसी वजह से वो फिर कभी कश्मीर लौटने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने एक ऐसा पोर्टल बनाने का ऐलान किया है जिस पर वो कश्मीरी पंडित रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनके घरों को आतंकवाद की वजह से नुकसान पहुंचा था या फिर उनके घर या जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। इस पोर्टल पर अपने पुश्तैनी जमीन या मकान की जानकारी देने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कश्मीरी पंडितों के परिवार आज किन हालात में रह रहे हैं और इस नई योजना के तहत उनकी घर वापसी कैसे होगी, इस पर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। के दशक में 60,000 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने कश्मीर में अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ दिया था। उनके घर वापसी के लिए मुकम्मल कोशिशें कभी नहीं हुई और इसकी चर्चा कभी नहीं होती कि वो आज किस हाल में है। यहां हम बात उन कश्मीरी पंडितों की कर रहे हैं जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर चले गए थे, लेकिन सरकारी आश्वासनों के भरोसे कश्मीर लौटा है। नियर अबाउट 20-25 लोग रहते हैं तीन कमरों में, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब पर रूम में 2-2 फैमिलीज हैं, तो 6 फैमिलीज को 1 किचन शेयर करना पड़ा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम तो सफर कर रहे हैं, अब देखो सर कोविड में हम क्या करें। ये अनंतनाग के वो कश्मीरी पंडित हैं जो इस उम्मीद में कश्मीर लौट आए कि उन्हें इनका पुराना सम्मान और पुश्तैनी मकान दोनों मिल जाएगा। लेकिन उनके साथ हुआ क्या, यही हम आज आपको दिखाने वाले हैं। ये एक पंडित कॉलोनी है जिसमें तकरीबन 96 परिवार ऐसा बताया गया रहते हैं। ये कॉलोनी बसाई गई थी सरकार द्वारा और अब यहाँ जो लोग रहते हैं वो कश्मीरी पंडित हैं। हालांकि ये पूरा इलाका अगर हम देखें, आपको बताएं, तो ये बार्ब्ड है। ये पूरा इलाका CRPF की सिक्योरिटी में है, CRPF के लोग यहाँ तैनात रहते हैं। क्योंकि अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में अनंतनाग और आसपास के जो इलाके हैं वो हमेशा से बहुत ही वोलेटाइल और वल्नरेबल रहे हैं। एक एक फ्लैट में 6 से 7 कश्मीरी परिवार रहते हैं। एक ही किचन में कई परिवारों के चूल्हे लगे हुए हैं। सब अपने हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी इस उम्मीद में कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति बदलती है तो उनकी भी बदलेगी। ये एक किचन है और इस किचन में मैं देख पा रहा हूँ 1, 2, 3 अलग अलग चूल्हे हैं। इसका मतलब कि 3 परिवार, जब सबको इकट्ठे काम करना होता है हौच-पौच हो जाता है। हमें बहुत मुश्किलें उस पर आती है। कितने सालों से आप लोग ऐसे रह रहे हैं? सर 2010 से बस ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे 2 फैमिलीज हैं, तो ये 2 फैमिलीज में कितने लोग हैं आप लोग? सर 2 फैमिलीज में हमारे 7 लोग हैं। तो हमारा किचन एक ही है, हमारा वॉशरूम एक ही है सर। पूरे जो एक सेट में 3 रूम्स है, तो उसमें नियर अबाउट 20-25 लोग रहते हैं 3 कमरों में। ये लोग जब कश्मीर में बसने के इरादे से आए थे उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए। बड़े तो फिर भी जिंदगी बिता ले रहे हैं, बच्चों की स्थिति के बारे में सोचें। हम यहाँ पे पिछले 11 सालों से शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं। हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अच्छे से खेल नहीं पाते हैं।
यहाँ पे अब हमें क्वार्टर अलॉट हुए थे, यहाँ पे कोविड के चलते एक ही किचन है, एक ही बाथरूम है, फैमिली यहाँ पर है, एक यहाँ है, उनको एग्जाम्स है, हम आपको उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कभी किसी को टीवी देखना है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को न्यूज़ सुननी है, कितना मुश्किल हो रहा है दो फैमिलीज को। कभी तो बच्चों में इतनी लड़ाई होती है कि बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बड़ों को समय संभालना पड़ती है, सिचुएशन मजबूरी में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। पिछले लगभग 11 साल से ये लोग यहाँ इसी स्थिति में है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। शेयरिंग में 6-6 फैमिलीज है, एक सेट में 6-6 फैमिली शेयरिंग पे है, जो कि सेम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, सेम किचन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे 200 एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट रेंट पे रह रहे हैं। हमारे लिए हालात वैसे के वैसे बने पड़े हैं सर, लेकिन हमें एक आशा है कि मोदी सरकार इसका संज्ञान लेंगे। इन परिवारों ने वो दौर देखा है जब रातों रात इनको अपने घर छोड़ने पड़े, अपनी जमीन दूसरे लोगों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी थी। हमने कुछ ऐसे कश्मीरी लोगों से बात भी की थी जिन्होंने वो दौर देखा था। आप उनकी कहानियां सुनकर उनके दर्द का अंदाजा शायद लगा पाएंगे। इवन ऑन दैट 19 जनवरी, तब भी मैंने, हमने शायद या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज फॉरएवर, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में मेरे फादर को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आई थी। क्या कहा था उन्होंने? उसमें ये बोला था कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं यहाँ से, और नहीं तो आपका घर जलाएंगे, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को जला देंगे। विच समहाउ ही मैनेज टू टॉक टू पीपल इन हिज ऑफिस, जो बड़े उनके बॉसेस वगैरह थे, तो समहाउ दे सेटल्ड, वी डोंट नो हाउ दे सेटल्ड व्हाट दे डिड, बट दे टोल्ड हिम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला है। धमकियाँ मिल रही थी, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। कौन दे? जो आजू बाजू लोग थे, अपने ही लोग पराए हो गए थे, आजू बाजू जो कल तक इतने अच्छे थे, वहाँ पे मुसलमान नेबरहुड थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, एवरीबॉडी वाज थ्रेटनिंग, निकल जाओ यहाँ से, कभी भी कुछ हो सकता है। इट सीम्ड लाइक दैट्स इट, आवर लाइफ इज डन, हमें नहीं पता जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे, जो भी करेंगे, बट अगेन वी डिड नॉट थिंक कि हमें निकलना है यहाँ से। वो जो कश्मीर में जो पुराने जो डाउनटाउन में अपने जो घर होते थे, वो जैसे बड़े बड़े घर होते थे, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो इंडिया जीत जाता था और पाकिस्तान हार गया, मेरे को अभी भी याद आता, मैंने अपनी आँखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया और वो सैक में बंद करके। दैट मेमोरी आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ टाइम, दैट वॉज विद माई ओन आईज आई हैव सीन इन दोज। क्या इंडिया हार गया तो? इंडिया अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान अपने जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो इतना, they couldn't tolerate that India can win the match. सरकार भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीनें वापस दिलाने के लिए गंभीर नजर आ रही है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए एक खास वेब पोर्टल बनाया गया है, www.jkmigrantrelief.nic.in। इस पोर्टल को कश्मीरी पंडितों की पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी मकान दिलवाने के लिए बनाया गया है। इसमें कब्जाई गई जमीनों को वापस पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आपको समझाते हैं कि ये पोर्टल कैसे काम करता है। ये वेबसाइट मैंने खोली है, आपको वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट का एड्रेस है jkmigrantsrelief.nic.in। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद अब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको इसमें मिलते हैं, और इम्पॉर्टेंट लिंक्स में सबसे ऊपर एक न्यू करके लिंक आ रहा है, माइग्रेंट्स प्रॉपर्टीज रिलेटेड ग्रीवांसेस। अब आप इसको क्लिक करते हैं और इसको आप नई विंडो में इसको खोलते हैं। ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है, और इस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको सारे पर्टिकुलर्स यहाँ भरने पड़ेंगे। आप भारत के किसी कोने में रहते हैं तो, या फिर भारत से बाहर भी अगर आप रहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना नाम, अपनी सारी डिटेल, रेजाइडिंग इन इंडिया, रेजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, कौन सा स्टेट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। भरने के बाद आपको ये एक ओटीपी जनरेट होगा, और जनरेट करने, ओटीपी जनरेट होने के बाद आप सबमिट फॉर्म करेंगे। जब आपका सबमिट हो जाएगा उसके बाद एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। सरकार ने ये तय किया है 15 दिन का वक्त, अगर आप एप्लीकेशन अपलोड करते हैं उस दिन से लेके अगले 15 दिन के भीतर सरकार को या उस कंसर्न जो ऑफिसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी वो प्रॉपर्टी है,
उनको 15 दिन के भीतर आपको अपडेट करना होगा। इस पोर्टल पर अब तक 745 शिकायतें भी दर्ज हो गई हैं और 30 सालों से विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों को अब लग रहा है कि उनकी जमीनें और मकान वापस मिल जाएंगे। ये एक पोर्टल, इस पे सब अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के बाद ये कंप्लेंट तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और इस पे तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। सो एक ऐतिहासिक फैसला है। ये कश्मीरी पंडित कई बार अपनी जमीन को वापस दिलाने के लिए सरकार से मांग करते रहे, लेकिन पिछली सभी सरकारों ने जमीनों से कब्जे छुड़ाने के बाद इन्हें वापस दिलाने का सिर्फ आश्वासन दिया और अफसोस हर बार कश्मीरी पंडितों को मायूसी ही हाथ लगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब उन्हें विश्वास हुआ है कि बदल रहे कश्मीर में उनको भी उनका हिस्सा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अमित प्रकाश, जी मीडिया। तो जो आज काबुल में हो रहा है वो 1990 के कश्मीर में भी हुआ था। वो तो शुक्र है कि भारत की सेना ने कश्मीर को अफगानिस्तान नहीं बनने दिया और आज कश्मीर तेजी से बदल रहा है। लेकिन कुछ लोग आज भी चाहते हैं कि कश्मीर की सुरक्षा में छेद हो जाए और कश्मीर को काबुल बना दिया जाए। इसलिए हम आपको बार बार इन लोगों से सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में काबुल जैसे हालात हुए तो एक ना एक दिन ये आग आपके शहर तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए तालिबान की जीत पर तालियां बजाने वालों से सावधान रहिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।